आज हम बात करेंगे पानीपत फिल्म के ट्रेलर की। 14 जनवरी 1761 ये वो तारीख है जिसने भारत का इतिहास बदल दिया, क्योंकि इसी तारीख को यानी 14 जनवरी 1761 को हिंदुस्तान की उस वक्त की सबसे बड़ी ताकत या जिसे हिंदू ताकत कहते हैं मराठा साम्राज्य और अफगानिस्तान के दुर्रानी साम्राज्य के शासक अहमद शाह अब्दाली की फौज के बीच में लड़ाई हुई। ये वो जंग थी जिसने मराठों की ताकत को एक सीमित कर दिया कि वो इससे आगे ना जा सकें। ये वो जंग थी जिसने मराठों के पतन की शुरुआत कर दी। अब यूं तो बॉलीवुड में पिछले काफी टाइम से काफी सारी हिस्टोरिकल और ऐतिहासिक फिल्में बन रही हैं, तो ये उसी कड़ी में एक और नई फिल्म है। फिल्म का ट्रेलर देखकर तो आपको इतना समझ में आएगा ही आएगा कि ये फिल्म बहुत बड़े स्केल पे बनी है, बहुत ग्रैंड स्केल पे बनी है। फिल्म में पैसा पानी की तरह पाया गया है, सेट और कॉस्ट्यूम्स पर भी बहुत ज्यादा रिसर्च करी गई है। हाँ, फिल्म का जो सेंट्रल कैरेक्टर है सदाशिव राव भाऊ, जो कि मराठा सेना के सेनापति थे और उस वक्त के पेशवा के चचेरे भाई, उनके रोल में अर्जुन कपूर को लेने पर सवाल उठाए जा रहे हैं। मगर अर्जुन कपूर, ठीक है उनकी एक्टिंग को एक बहुत मोनोटोनस माना जाता है, लेकिन उन्होंने कुछ कुछ थोड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेज भी दी हैं। और आशुतोष गोवारिकर जो कि बहुत ही काबिल डायरेक्टर हैं, तो अगर उन्होंने अर्जुन कपूर को इस रोल में लिया है तो कुछ सोच समझ कर ही लिया होगा। तो जब तक हम ये फिल्म देख नहीं लेते हम इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं। जो कृति सेनन है वो सदाशिव राव भाऊ की पत्नी के रोल में है। रोमांस के साथ साथ उनका रोल काफी ज्यादा मुझे ट्रेलर को देख के जो मुझे लगा वो एक एक्शन ओरिएंटेड भी। फिल्म की कहानी तब शुरू होती है जब मराठा साम्राज्य अपनी ताकत और अपनी तरक्की और अपनी उन्नति के चरम पर था। कहने को तो मराठाओं के राजा छत्रपति थे, मगर जो असली ताकत थी वो पेशवाओं के हाथ में थी। मराठाओं की ताकत इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि जो मराठा पेशवा थे वो अपने बेटे वेशवास राव को दिल्ली की सल्तनत पर बिठाना चाहते थे। इससे जो उस वक्त दिल्ली के बादशाह थे, मुगल शासक जो थे, और प्लस बंगाल और अवध के जो नवाब थे, प्लस काफी सारे मुस्लिम मौलाना वगैरह थे, वो डर गए थे। उनको लगा कि जो उनका वर्चस्व बना हुआ है, खासतौर से जो उत्तरी भारत में उनका एक वर्चस्व था, वो खतरे में पड़ जाएगा। तो इसीलिए वो अहमद शाह अब्दाली को न्योता भेजते हैं। लेकिन इतिहास जो हमें बताता है वो ये कि अहमद शाह अब्दाली सिर्फ मुगल बादशाह के न्योते पर नहीं आया था, दरअसल वो भी मराठाओं की जो बढ़ती हुई ताकत थी, मराठाओं ने अपना साम्राज्य लाहौर और मुल्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर तक फैला दिया था। तो वहां पर उनकी अक्सर करके जो दुर्रानी साम्राज्य था उसके नवाब या उसके सूबेदार या उसके सैनिकों के साथ झड़प होती रहती थी। तो वो भी जो मराठाओं से उसको हार मिली थी या उन्होंने जो उसका इन्फ्लुएंस नॉर्दर्न इंडिया में या एक तरीके से वेस्टर्न इंडिया की साइड में रोक दिया था, वो उसका बदला लेना चाहता था, क्योंकि उसको ये लगता था कि अगर उसने मराठाओं को नहीं रोका तो एक दिन वो पूरे अफगानिस्तान पर भी कब्जा कर लेंगे। और फिर एक जंग होती है 14 जनवरी 1761 को। अब ये तो सभी को मालूम है कि उस जंग में मराठाओं की हार हुई, मगर ये बहुत कम लोग जानते हैं कि अहमद शाह अब्दाली की जीत या मराठाओं की हार की वजह ये नहीं थी कि अब्दाली की फौज बहुत ज्यादा ताकतवर थी या बहुत ज्यादा काबिल थी या बहुत ज्यादा मजबूत थी, बल्कि जो मराठाओं की हार की सबसे बड़ी जो वजह थी वो खुद मराठा सेनापति सदाशिव राव का घमंड, उनका अहंकार और उनकी की गई गलतियां थी। अब इतिहास के इस पक्ष को जो आशुतोष गोवारिकर हैं उन्होंने उसको कितना रखा, कितना निकाला, कितना उसमें अपने मन से फिक्शन जोड़ा, ये तो हमें फिल्म से ही पता लगेगा। अब ट्रेलर को देखकर ये लगा कि ये फिल्म जो है थोड़ा सा देशभक्ति के फ्लेवर में बनाई गई है, इसको एक हिंदू मुस्लिम का एंगल दिया गया है, जो खासतौर से बंगाल का या जो अवध का नवाब है उसको एक गद्दार का सा एक तरीके से फ्लेवर दिया है, जबकि जो हकीकत ये थी कि जो अवध का नवाब था वो खुलकर मराठाओं का विरोध नहीं करना चाहता था, लेकिन अब्दाली तब तक उसकी सरहद में आ चुका था और वो इतनी काबिलियत नहीं रखता था कि वो अब्दाली को मना कर सके, वरना अब्दाली उसके पूरे राज्य को तहस नहस कर देता। दूसरा, वो भी थोड़ा बहुत मराठाओं की ताकत को, बढ़ती हुई जो ताकत थी उसको कंट्रोल में रखना चाहता था, क्योंकि उसको लगता था कि एक दिन जो मराठाओं का सपना है या जो पेशवा का सपना है अपने बेटे को दिल्ली के तख्त पर बिठाने का, तो जो अवध का नवाब था वो बेसिकली वजीर हुआ करता था मुगल बादशाहों का, तो उसे लगा कि अगर मुगल बादशाहती खत्म हो जाएगी तो उसकी वजीराई भी खत्म हो जाएगी। फिल्म का जो ट्रेंड है वो पेट्रियोटिक जैसा है, एक देश के लिए, एक जमीन के लिए, एक भारत नाम के कॉन्सेप्ट के लिए जो उनकी लड़ाई है, लेकिन हकीकत की बात यह है कि राजशाही में देशभक्ति नाम की चीज नहीं होती है। राजशाही में आपकी जो वफादारी होती है वो एक इंसान के लिए होती है, किसी देश या राज्य के लिए नहीं होती है। मगर आजकल का ये ट्रेंड है कि कोई भी एक ऐसी चीज हो उसको एक पॉलिटिकल या उसको एक पेट्रियोटिक फ्लेवर देने का, तो ये भी उसी एक ढर्रे पे बनी हुई फिल्म लगती है। अब अगर हम कलाकारों की बात करें तो अर्जुन कपूर के बारे में तो हम पहले ही बात कर चुके हैं, मगर जो इस फिल्म में असली जो सेंट्रल अट्रैक्टिंग पॉइंट है वो है इस फिल्म में अहमद शाह अब्दाली का रोल निभाने वाले संजय दत्त। जिस एफर्टलेस तरीके से वो अहमद शाह अब्दाली के किरदार में घुस जाते हैं वो काबिले तारीफ है। और मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि संजय दत्त की स्क्रीन प्रेजेंस बहुत जबरदस्त है। जिस वक्त वो आपके फ्रेम में होते हैं, जिस वक्त वो स्क्रीन पर होते हैं, उस वक्त आपकी नजर कहीं और नहीं जाती है। आपको संजय दत्त का थोड़ा सा गेटअप देख के कुछ कुछ पद्मावत के अलाउद्दीन खिलजी में रोल की याद आएगी, जिसको रणवीर सिंह ने प्ले किया था। अब आप एक थोड़ा सा डिफरेंस देखिए कि जब रणवीर सिंह ने खिलजी का रोल प्ले किया था तो आपने बहुत सारी खबरें ऐसी सुनी होंगी कि रणवीर सिंह जो है वो एक साइको
बीमारी से हो गए, उनको साइकेट्रिस्ट के पास जाना पड़ा और वो मेंटल बैलेंस अपना खोने से बचे। यहाँ पर उसी इंटेंसिटी के साथ संजय दत्त रोल को प्ले करते हैं, मगर उनके बारे में ऐसी कोई खबर नहीं मिलती। अब या तो जो वो सारा एक पीआर स्टंट था रणवीर सिंह का, जो उनकी पीआर टीम ने बनाया था उनको ये दिखाने के लिए कि पता नहीं कितनी मेहनत करी है, या फिर संजय दत्त रणवीर सिंह से कहीं बहुत बहुत ज्यादा काबिल एक्टर हैं जिनको इतने सारे प्रपंच करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इस ट्रेलर में आपने एक चीज गौर करी होगी, संजय दत्त एक डायलॉग बोलते हैं कि मोर का तख्त और कोहिनूर का हीरा छीनने से नहीं मिलते। ये दरअसल जो पानीपत की जंग है 1761 वाली, उससे पहले एक और अफगान शासक ने भारत पर हमला किया था, नादिर शाह ने, जो कि ये जिसे हम पिकॉक थ्रोन बोलते हैं, मोर का तख्त और कोहिनूर हीरा वो छीन कर ले गया था हिंदुस्तान से। तो वही मोर का तख्त और कोहिनूर हीरा है जो अहमद शाह अब्दाली को मिला है। एक सीन में हम अहमद शाह अब्दाली और सदाशिव राव भाऊ यानी अर्जुन कपूर को नदी के आमने सामने दो अलग अलग किनारों पर देखते हैं। ये यमुना नदी है, उस वक्त यमुना नदी में बहुत जबरदस्त बाढ़ आई हुई थी। ये दरअसल उसी 1761 की लड़ाई से पहले का सीन है जिससे पहले वो मराठा सेनापति ने वो तमाम गलतियां करी जिससे वो लड़ाई हार गए थे। एक सीन में हम सदाशिव राव भाऊ और अहमद शाह अब्दाली की मुलाकात को देखते हैं। ये सीन दरअसल पूरे तरीके से काल्पनिक है, क्योंकि हकीकत में अहमद शाह अब्दाली और सदाशिव राव भाऊ आपस में कभी मिले ही नहीं थे। फिल्म काफी बड़े स्केल पर बनी है, बहुत सारा कंप्यूटर ग्राफिक्स का यूज किया गया है, हालांकि आजकल ये बहुत कॉमन हो गया है। अब फिल्म की जो रिलीज डेट है वो 6 दिसंबर है, कहने को वो शुक्रवार है लेकिन डेट बड़ी सोच समझ कर चुनी गई है। और इस डेट की वजह या इस डेट की इंपॉर्टेंस भारत के इतिहास में, खासतौर से आजाद भारत के इतिहास में क्या है, ये आप सभी को मालूम है। लेकिन इस फिल्म में जो मेरे को ट्रेलर देख के लगा कि कहीं ऐसा ना हो जो पद्मावत में हुआ था, वो ये कि फिल्म के नायक उसमें शाहिद कपूर थे और खलनायक अलाउद्दीन खिलजी थे। ठीक इसी तरीके से इसमें नायक अर्जुन कपूर हैं और जो खलनायक का रोल है वो संजय दत्त का है। तो जिस तरह से पद्मावत में खिलजी शाहिद कपूर पर भारी पड़ गए थे, या कहीं इसी तरीके से पानीपत में संजय दत्त अर्जुन कपूर पर भारी ना पड़ जाएं, क्योंकि संजय दत्त ये एक बार पहले भी कर चुके हैं। आपको याद होगा आज से कुछ साल पहले ऋतिक रोशन की एक मूवी आई थी अग्निपथ, जिसमें अमिताभ बच्चन वाला रोल ऋतिक रोशन ने प्ले किया था और कांचा चीना का रोल संजय दत्त ने प्ले किया था। तो उस पूरी पिक्चर में जब जब संजय दत्त और ऋतिक रोशन स्क्रीन पर आते हैं तो संजय दत्त हर सीन में ऋतिक रोशन पर भारी पड़ते हैं। तो कहीं अगर ऐसा हो गया तो अर्जुन कपूर के लिए बड़ी नुकसान वाली बात हो जाएगी। अच्छा, ट्रेलर में हमें काफी अरसे के बाद पद्मिनी कोल्हापुरे और जीनत अमान भी देखे, अब उस फिल्म में उनका क्या रोल है ये तो हमें फिल्म से ही पता लगेगा। तो दोस्तों, ये था मेरा पानीपत ट्रेलर का रिव्यू। आपके इस वीडियो के बारे में जो भी कमेंट्स हैं, या ट्रेलर के बारे में, या फिल्म के बारे में जो भी कमेंट्स हैं, नीचे जरूर दीजिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।